सभी को नमस्कार और स्वागत है मेरे चैनल बी क्रिएटिव इंजॉय प्रेजेंट लाइफ में। और आज हम बनाने जा रहे हैं छोले और भटूरे। और भटूरे के लिए मैंने ये आटा प्लस मैदा मिक्स करके ले लिया है, और इसमें डालेंगे हम बेकिंग सोडा 2 चम्मच के करीब, और थोड़ी सी चीनी डालनी है। ये चीनी डाल दी थोड़ी सी, 1 चम्मच चीनी डालनी है आपको, और थोड़ा सा दही डालना है। और इसको गूंद के आपको 2 घंटे के लिए जो है वो रखना है। तो दही डाल देते हैं हम थोड़ी सी, ये डाल देते हैं दही, दही डाल दिया है, चीनी डाल दी है, और आपका बेकिंग सोडा डाल दिया है, और थोड़ा सा नमक भी डालना है। तो नमक डाल लेते हैं हम। ये दोस्तों नमक डाल लिया हमने। अब थोड़ा सा हमें 2 चम्मच तेल डालना है, तो ये हम थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं और इसको गूंदना है सही ढंग से, गुनगुने पानी से। ये मैंने गुनगुना पानी करने रख दिया था, और ये मेरे छोले बन रहे हैं। छोले गलाने के लिए रख दिया है। छोला का जो तड़का लगाएंगे वो हम आपको बताएंगे। अभी हम इसे गूंद लेते हैं, गूंद के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने आटा गूंद लिया है, देखिए, भटूरे के लिए। और देखो इसमें कम से कम आधा गिलास से थोड़ा सा ऊपर पानी लगा रहा, हमने अच्छे ढंग से इसे गूंद लिया है। इसमें हमने जो चीज डाली थी, एक सोडा डाला था, बेकिंग सोडा डाला था, बाकी चीनी डाली थी, दही डाला था और नमक डाला था, और अभी ये थोड़ा सा तेल डाला था। अभी दोबारा से हम तेल ऊपर से लगाएंगे थोड़ा सा, और इसको मलते रहेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और इसे 2 घंटे के लिए हमें छोड़ना है। 2 घंटे से छोड़ने से ये जो है फूल जाएगा, फ्लफी सा हो जाएगा, फिर हम इसके भटूरे बनाएंगे। दोस्तों इसमें भटूरे बनाने का यही तरीका है सबसे बढ़िया, कि इसकी जो गुंदाई है वो अच्छे ढंग से होने चाहिए। अगर आप आटे को सही नहीं गूंदेंगे तो आपके भटूरे अच्छे नहीं बनेंगे। और प्रॉपर रेशो में इसके मटेरियल डालना चाहिए, चीनी हुआ, बेकिंग सोडा हुआ, दही हुआ और तेल हुआ, और लास्ट में तेल को मलते रहना जरूरी है। इसमें तेल मल मल के गूंदना है इसे थोड़ा, इसे अच्छे ढंग से गूंद के हमें 2 घंटे के लिए छोड़ना है। और साइड बाय साइड हम छोले बनाएंगे। छोले मैंने आपको जैसे बताया था, दिखा दिए हैं कि गलाने रखे हुए हैं, और अब हम उसे इसका मसाला बन के तैयार करेंगे, और फिर छोले का आपको प्रोसेस दिखाते हैं। दोस्तों ये मैंने टमाटर उसके लिए तो दोस्तों मैंने ये टमाटर इसके मसाला बनाने के लिए, छोले का जो हम मसाला बना रहे हैं उसके लिए टमाटर काट लिए हैं, और ये आपका अदरक है, और ये हरी मिर्च है। इन सब चीजों को हम ग्राइंड करेंगे, और ग्राइंड करके फिर डालेंगे। इसके अलावा दही भी ले रखी है हमने थोड़ी, ये दही भी जाएगी, पनीर भी जाएगा, और अनारदाना ले रखा है, ये अनारदाना भी जाएगा। तो जैसे जैसे मैं बताता हूँ, अभी फिलहाल हम इसे ग्राइंड करते हैं सबसे पहले, और ग्राइंड करके फिर आगे का प्रोसेस हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये तेल गर्म हो गया मेरा, मैं इसमें जीरा डाल रहा हूँ थोड़ा सा, और ये जीरा डाल दिया मैंने, और थोड़ा सा धनिया डाल दिया है, अनारदाना पाउडर डाल दिया है, ये मैं भी लेके आया था, और थोड़ा सा हींग डाल दी है, और ये जो मैंने पेस्ट पीसा था वो डालेंगे हम इसमें। इसमें हमने अदरक और टमाटर और क्या नाम है, अदरक टमाटर डाला है, और हरी मिर्च डाली है। तो ये हम डाल देते हैं हमारा भुन चुका मसाला। थोड़ा सा इसमें खड़े मसाले भी डालने हैं, वो मैं दिखाना आपको भूल गया था कि खड़े मसाले डल गए, और इसमें आप ये डाल दीजिए, और इसे पकाना है सही ढंग से। मसाला जब तक पकेगा नहीं तब तक छोले अच्छे नहीं बनेंगे। तो मसाले को तब तक पकाना है जब तक उसका तेल ना छूटे, और ये धीमे आंच पे पकेगा, फिर हम आगे का आपको बताते हैं इसके बाद कि कैसे इससे आगे।
दोस्तों ये मेरा जो मसाला है वो बन के तैयार हो रहा है और ये देखिए मैंने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और लाल मिर्च डालेंगे, स्वाद अनुसार है हमारी लाल मिर्च, और लाल मिर्च के अलावा थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, तो मसाला सही ढंग से बनना चाहिए, बिल्कुल अच्छा नहीं रहना चाहिए, अच्छा ढंग से भुनना चाहिए तभी जाके छोले अच्छे बनते हैं। और ये इसमें हम अदरक डाल सकते हैं, इसे हिलाते रहें जलने के लिए मसाले को, नहीं तो अदरक डाल देते हैं इसमें। ये अदरक डाल दिया और थोड़ा सा भून लेते हैं चीज़ें। देखिए मसाला जो है छोले का तो बन के तैयार हो रहा है, इसे हम और सही ढंग से भी पका लेते हैं। फिर हम ये जो छोले गला रखे हैं हमने, जो रात में मैंने 12 घंटे भिगाए थे उसके बाद गलाने रखे थे, गलाने के लिए मैंने इसमें सोडा डाला था खाने का और नमक डाला था और हींग डाली थी थोड़ी सी, और इसे पकाने के लिए धीमी आंच में छोड़ा था। ये गल चुके हैं, अब हम इसको मसाला सही ढंग से जब भुन जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे, और उसके बाद जब ये बन जाएगा उसके बाद पनीर डाला जाएगा। ये पनीर है, ये डाला जाएगा ऊपर से, और गार्निशिंग के लिए ऊपर से ये धनिया डाला जाएगा, जो धनिया है मैंने काट के रखा हुआ। तो दोस्तों ये मेरा मसाला है छोले का, वो बन के तैयार हो गया है, और अब हम इसमें डालेंगे ये छोले जो गल रखे हैं, तो ये हम इसमें डाल देते हैं। ये डाल दिया मैंने, और ये जो छोले हैं इनको चला के चला देते हैं। ये देखिए इतने बढ़िया ढंग से बने हैं ये, और इसमें हम डाल देते हैं पनीर, और ये पनीर जो है अगर आप थोड़ा पतला खाना चाहते हैं तो उसमें आप पानी डाल सकते हैं, वैसे गाढ़े ही चलते हैं छोले भटूरे, भटूरे के साथ जो छोला है वो गाढ़ा ही चलता है, तो आप इसमें ऊपर से पनीर डाल सकते हैं। ये मैं डाल रहा हूँ, 200 ग्राम पनीर लिया था, 200 से 150 ग्राम आप जो भी है इसे इसमें डाल दीजिए। तो दोस्तों ये ऑलमोस्ट आपके जो छोले भटूरे हैं वो बन के तैयार हो गए, बस इसमें गार्निशिंग के लिए ऊपर से धनिया डालना है, वो मैं लास्ट में डालूंगा जब सब कुछ बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों बढ़िया छोले बन के तैयार घर में, तो आप भी बनाएं इसको। और इसके बाद हम भटूरे बनाएंगे दोस्तों, और भटूरे के लिए मैंने जैसे कि 2 घंटे के लिए उसे मैंने रेस्ट करने के लिए छोड़ा हुआ है, आटे के उसको आटा मैदा के पेस्ट को जो हमने गूंथ के रखा हुआ था, ये छोले बन के तैयार हैं। दोस्तों ये मेरे जो है मैंने लोइयां बना ली है और ये बिल्कुल रिसेट हो गया, बिल्कुल आटा कितना अच्छे ढंग से हुआ है, देखिए ऐसे ही होना चाहिए, फूलना चाहिए। और ये मैंने यहाँ पे ये देखिए ये मैंने भटूरा मैंने वो कर लिया है, बेल लिया है, ये मैंने भटूरा बेल लिया है देखिए, और वहां तेल गर्म हो रहा है मेरा, तो तेल जो गर्म हो रहा है अभी हम इसमें भटूरे डालेंगे और तलेंगे। तो ये देखिए ये भटूरा मैंने ये डाल दिया भटूरा, और ये भटूरा बनने लग रहा है। पूरा ऐसे से तेल को हमें करना है ताकि ये ऊपर उछले और ये बने पूरा सही ढंग से। ये देखिए मैंने ऐसे करा है देखो, और ये भटूरा बन के तैयार हो गया हमारा।
गरम तेल ऊपर से डालना है ताकि कटोरा सही ढंग से सिक जाए। ये देखिए ऐसे करके हम पूरे भटूरे बना लेंगे। और बिल्कुल जब ये सही ढंग से सीख जाए तो आप इसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मेरा भटूरा जो है ये बनके तैयार हो रहा है और इसको भी हमें वैसे ही तेल डालना है इसके ऊपर से ताकि ये फूले। ये देखिए बिल्कुल फूलेगा ये भटूरा। और ये देखिए भटूरे बनके तैयार हो गए। आप इसके ऊपर तेल डाल सकते हैं, गरम गरम तेल ऐसे डालना होता है अभी भटूरा बनके तैयार होता है। ये देखिए ये बन गया, एक साइड से हो गया बिल्कुल देखो करारा। अगले साइड से भी कर देंगे दोस्तों। कई लोग मिक्स भी बनाते हैं इसको, आटा और मैदा दोनों मिक्स करके भी बनाते हैं, वो बढ़िया रहता है क्योंकि वो पेट में ज्यादा चिपकेगा नहीं। अगर आप प्योर मैदा होगा तो वो पेट में चिपक जाता है। देखिए कितना अच्छा भटूरा बना है। मेरी कढ़ाई छोटी है इसलिए मैं छोटा बना रहा हूँ, बड़ा भी बना सकते हैं। और आप इसमें फिलिंग करना चाहे तो पनीर और इसका थोड़ा बहुत आप डाल सकते हो अंदर से, थोड़ा सा पनीर थोड़े से हल्के से मसाले डाल के आप इसको बना सकते हैं। तो ये मेरी लोइयां हैं, मैं इन पूरी लोइयों को बना के फिर मैं आपको दिखाता हूँ सर्विंग में कैसी होती है। तो दोस्तों ये मेरे भटूरे बन चुके हैं और देखिए बड़े शानदार बने हैं भटूरे। और हम अभी इसे सर्व करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये भटूरे हमने मजेदार बनाए बिल्कुल, और आपको पूरा प्रोसेस दिखाया हमने कि भटूरे कैसे बनते हैं। दोस्तों भटूरे में आटा गूंदना ही सबसे बड़ी वो है, स्किल है, और इसको आपको अच्छे ढंग से गूंदना आता है। मैदा आटा जो भी है जिसके भी आप भटूरे बनाना चाहते हैं, अगर वो आप सही ढंग से कर सको, उसे बेल सको, उसे गूंद सको, तभी आप बना पाओगे भटूरे सही ढंग से। और उसके लिए 2 घंटे के लिए इसे हमें फिर बाद में रेस्ट करने के लिए छोड़ना पड़ता है, तब जाके जब ये फूल जाता है आटा उसके बाद भटूरा बनाया जाता है। तो दोस्तों अभी हम सर्व करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये मेरा छोले भटूरे हैं बनके तैयार हो गए हैं। देखिए छोले और ये भटूरे हैं और ये भटूरे हैं। आपका हरी मिर्च है और नींबू है, प्याज के साथ मैंने सर्व किया है। और ये आपका देखिए छोले इतने बढ़िया ढंग से बने हैं। और ये भटूरे देखिए, तो आप भी घर में बनाइए। और ये देखिए आपके छोले की कंसिस्टेंसी देखिए कितनी अच्छी है, बिल्कुल बढ़िया ढंग से पनीर डाल के। तो आप भी घर में बनाइए इसे और आनंद लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन में आपको पता ही है बाहर का कैसे हो सकता है खाना। और इस महामारी में आप अपने घर में ही बनाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो आप तक पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय।